नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मुत्रा। भारत से मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन तो गलवान घाटी से टेंट तंबू उखाड़कर भाग गया, जिससे सीमा पर शांति बनी हुई। लेकिन चीन सरकार का पिट्ठू मीडिया ग्लोबल टाइम्स भारतीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और T-90 टैंक की सीमा पर तैनाती से बुरी तरह बौखलाया हुआ। वो आजकल खबरें छापने से ज्यादा भारत को धमकाने में व्यस्त। चीनी हथियारों की धौंस जमाते हुए ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर भारत ने कोई उकसावे वाली कार्रवाई की तो हम भी पूरी तरह तैयार। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा, PLA ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, तोपे, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन, हल्के टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर अपने उत्तर पश्चिमी सीमा में तैनात किए। ये हथियार खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के लिए तैयार किए गए। ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा, भारत ने हाल ही में अपने अग्रिम मोर्चों पर अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए। इसके अलावा भारत ने गलवान घाटी में T-90 टैंक तैनात किए, लेकिन PLA के हथियार ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के लिए बहुत उपयोगी। चीनी हथियार भारत के हथियारों को तबाह कर सकते। भारत के साथ तनाव घटाने पर भले ही सहमति बन गई हो, लेकिन चीनी सेना भारत के किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने को तैयार। बता दें, गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस हिंसा में चीन को भी भारी नुकसान हुआ था, उसके 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए थे। हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता गया। भारत ने भी सख्त रुख अपना रखा। खुद PM मोदी ने लेह जाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन को बातचीत के टेबल पर आना ही पड़ा। भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई और सोमवार से चीन गलवान घाटी छोड़कर 1.2 किलोमीटर पीछे चला गया।